चाईबासा के सदर थाना इलाके के कपड़ा पट्टी में आग लगने से कपड़े की दो दुकानें जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से आसपास की अन्य तीन दुकानों को भी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण काफी दिन से दुकान बंद थी। अचानक दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। इस हादसे में लगभग 30 से 35 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।